हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनी कंपनी। तो फाइनली सेल्कोनी कंपनी ने अपना नया 50 किलोवाट का हाई वोल्टेज के अंदर इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है। इस इन्वर्टर को आप 500 किलोवाट का भी इन्वर्टर बना सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा का इन्वर्टर बना सकते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हॉस्पिटल या कितना भी बड़ा लोड आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए आज जानेंगे इस इन्वर्टर के बारे में सब कुछ। उससे पहले अगर आपने सेल्कोनिक का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए इस हिस्से में जानते हैं कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप कौन सी बैटरी लगा सकते हैं। सबसे पहले हाई वोल्टेज के अंदर आप लेड एसिड बैटरी नहीं लगा सकते, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सेल्कोनिक की ये वाली बैटरी भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर नहीं लगा सकते। तो इसके ऊपर अब कौन सी बैटरी आप लगा सकते हैं? इस इन्वर्टर के लिए स्पेशल सेल्कोनिक ने नई गैलेक्सी 7G हाई वोल्टेज स्टैक्ड बैटरी को यहाँ पर लॉन्च किया है। आप मेरी साइड में इस बैटरी की पिक्चर देख सकते हैं। ये जानते हैं इस नई तरीके की बैटरी के बारे में। आज तक आपने इस तरीके की कोई बैटरी नहीं देखी होगी, और जब आप इस बैटरी के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस बैटरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साइड में ये पिक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे नीचे इस बैटरी के लिए बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर इन बैटरीज को रखा जाता है। इन बैटरी को बोला जाता है मॉड्यूल। यहाँ पर जो हर एक मॉड्यूल है वो रहने वाला है 102.4 वोल्ट। जी हाँ, आज तक आपने सुना होगा 48 वोल्ट बैटरी या फिर 51.2 वोल्ट बैटरी, लेकिन ये हर एक मॉड्यूल मिलेगा आपको 102.4 वोल्ट का, यानी 102.4 वोल्ट के अंदर। अब आप कितनी बैटरीज को यहाँ पर मैक्सिमम रख सकते हैं? तो यहाँ पर आप एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम 7 मॉड्यूल्स को रख सकते हैं, और उनके ऊपर यहाँ पर आएगा इनका कंट्रोलर, जिसको बोला जाता है CBMS या फिर हाई वोल्टेज कंट्रोलर। तो इस तरीके से ये पूरा रैक आपका बन जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हर एक मॉड्यूल में आपको 102.4 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज मिलती है। तो जब आप 7 मॉड्यूल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये वोल्टेज बन जाएगी 716 वोल्ट। और जो हमारा इन्वर्टर है उसको स्टार्ट होने के लिए या फिर उसकी जो बैटरी की ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो है 160 से 800 वोल्ट। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 7 बैटरीज को ही रख सकते हैं, और ये जो कंट्रोलर है ये मैक्सिमम 800 वोल्ट तक को ले सकता है। तो अगर हम अपनी बैटरीज को 7 से ज़्यादा यहाँ पर कर देंगे तो वोल्टेज जो है वो 800 से ऊपर चली जाएगी, इसलिए हम मैक्सिमम 7 बैटरी ही इस रैक के अंदर रखते हैं। अब अगर इसका कंपेयर हम अनदर किसी बैटरी से करते हैं तो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इस बैटरी में आप देख रहे होंगे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वायर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। जी हाँ, इस बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन बैटरी के अंदर कनेक्टर दिए गए हैं, और जब आप बैटरी को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये कनेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी वायरिंग आपकी एक्स्ट्रा नहीं लगती है। दूसरा, ये जो इंस्टॉलेशन होती है वो देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वायर का यूज़ नहीं होता है, और आपको बैटरी को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए अलग से कोई रैक भी नहीं खरीदना होता है, क्योंकि ये जो बैटरीज हैं वो स्टैक्ड बैटरी हैं। स्टैक्ड बैटरी बोला ही उनको जाता है जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाएँ और स्टैक हो जाएँ। ये एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी है। दूसरा, ये बैटरी है IP65। आज तक आपने IP65 इन्वर्टर्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि जितने भी गैलेक्सी सीरीज के इन्वर्टर आते हैं वो IP65 हैं। आप उनको आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैटरी को आप आउटडोर यूज़ नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हो जाती थी। लेकिन ये नई बैटरी आ जाने के बाद और IP65 होने के बाद अब हमारा इन्वर्टर और हमारी बैटरी दोनों ही आपकी IP65 हो चुकी हैं, तो अब आप इसको आउटडोर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ फ्लैट के बैक साइड में आपको जगह मिलती है, तो इन बैटरीज़ को आप अपनी बैक साइड बालकनी में भी रख सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर जगह नहीं है तो आप इनको आउटडोर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी बिल्डिंग में जगह नहीं है तो उस बिल्डिंग के बाहर भी इन बैटरीज़ को रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इस पूरे बैटरी सिस्टम की। तो ये पूरा एक रैक यानी पूरा एक मॉड्यूल बनने के बाद ये हो जाता है 28 किलोवाट का मॉड्यूल। अब 50 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर आप ये दो मॉड्यूल साइड बाय साइड रख सकते हैं, और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि इस इन्वर्टर में आपको यहाँ पर ड्यूल बैटरी मिलती है, तो दो रैक हो जाएंगे अलग अलग, वो डायरेक्ट इस इन्वर्टर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगे। अब अगर आप इस इन्वर्टर को कंपेयर करते हैं जो पहले सेल्कोनिक के इन्वर्टर या फिर लो वोल्टेज इन्वर्टर आते थे,
अगर उस टेक्नोलॉजी के साथ इसको कंपेयर करके आप देखें तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको 50 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो चलिए पहले उसको डिज़ाइन करते हैं लो वोल्टेज के अंदर। तो आपके पास क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस थे, तो सबसे पहले यहाँ आपके पास ऑप्शन था कि आप 5-5 किलोवाट के 10 इन्वर्टर को जोड़ दें। तो चलिए जब आप 5-5 किलोवाट के 10 इन्वर्टर को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी नंबर ऑफ बैटरीज लगती हैं। उन बैटरीज की जो वायर है वो पहले बस बार के अंदर जाती है और फिर उस बस बार से सभी इन्वर्टर्स को यहाँ पर वायर जाती है, और जो वायर होती है वो 25 mm की होती है, यानी कि काफ़ी आपको वायरिंग करनी पड़ती है। फिर उन सभी इन्वर्टर से आपके एसी इनपुट कनेक्ट होगी, सभी की जो है वो आउटपुट कनेक्ट होगी नॉर्मल लोड के लिए, और सभी की आउटपुट कनेक्ट होगी यहाँ पर स्मार्ट लोड के लिए। तो जो उसकी एसी की वायरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे ही जो डीसी की वायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन था कि आप 8-8 किलोवाट के यहाँ पर इन्वर्टर जोड़ सकते हैं या फिर 10 या 12 के इन्वर्टर जोड़ सकते हैं। अगर आप 12 किलोवाट में भी जाते हैं तब भी यहाँ आपको 4-12 के इन्वर्टर लगाने पड़ते हैं, और तब भी सिस्टम जो है वो 48 किलोवाट तक पहुँच पाता था। अगर आप हमारा लेटेस्ट 16 किलोवाट वाला इन्वर्टर भी यूज़ करते हैं तब भी आपको 3 इन्वर्टर जोड़ने पड़ेंगे और तब भी आपके पास 48 किलोवाट ही आएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा था। तो अब इस अगर आप इन्वर्टर को देखें तो सिर्फ ये इन्वर्टर का साइज़ देखिए, सिर्फ इतनी सी जगह में इन्वर्टर आ गया और इसके नीचे 2 28-28 किलोवाट के रैक आ गए, यानी कि सिर्फ इतनी सी जगह में ही आप 50 किलोवाट लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो वायर दी गई है बैटरी की हाई वोल्टेज होने की वजह से वो सिर्फ 10 mm की वायर है, यानी कि आप कितनी भी वायरिंग करेंगे तो 10 mm की वायर आपका थोड़ा सा स्पेस लेगी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी आपके लिए रहेगी। तो यहाँ आप इस पिक्चर के अंदर इन दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर आप लो वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं तो कितना ज़्यादा बल्क सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा वायरिंग हो जाएगी और कितना ज़्यादा ये स्पेस लेगा। वहीं पर 50 किलोवाट अगर इस इन्वर्टर के साथ लगाया जाए तो ये कितनी थोड़ी सी जगह में लग जाएगा, और आप इन दोनों का लुक भी देख सकते हैं इसके अंदर कितनी नीट एंड क्लीन आपकी इंस्टॉलेशन होने वाली है। आइए अब जानते हैं कि इस इन्वर्टर का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए या हॉस्पिटल चलाने के लिए पहले आपको बड़े बड़े जनरेटर्स लगाने पड़ते थे, 100 kVA का जनरेटर, 200 kVA का जनरेटर, 70 kVA का जनरेटर। तो अब आपको उन बड़े बड़े जनरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, और जब आप जनरेटर यूज़ करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, क्योंकि जनरेटर के ऊपर चाहे लोड हो या ना हो लेकिन वो जो आपका डीजल है वो पूरे का पूरा इस्तेमाल करेगा, यानी कि आपका लाखों रुपए का जो है डीजल वो रोज़ाना लग जाता है। तो अब जनरेटर से छुटकारा इस इन्वर्टर के आने के बाद हो जाएगा। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि फैक्ट्री हो गई, आपका हॉस्पिटल हो गया, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या किसी भी तरीके की बड़ी बिल्डिंग्स का लोड आप इन इन्वर्टर्स के ऊपर आसानी से चला सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक 100 kVA का जो हमारा जनरेटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो आपका जो लोड है वो भी 70% ही उठा पाता है, यानी कि 70 kW ही उठा पाएगा। उस जनरेटर की रिप्लेसमेंट में अगर आप सिर्फ इन दो हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स को लगा दें तो इससे आपका स्पेस भी बचेगा, और जितना भी लोड इनके ऊपर चल रहा होगा, मान लीजिए कि ये तो 100 kW के हो गए लेकिन लोड अगर 20 kW ही चल रहा है तो सिर्फ 20 kW ही पावर यूज़ होगी, तो जो आपका सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इनको जनरेटर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी, और वो कॉस्ट कवर होने के बाद इस सिस्टम को आप लाइफ टाइम फ्री चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में इस इन्वर्टर की सारी स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले ये एक हाई वोल्टेज इन्वर्टर है। हाई वोल्टेज इन्वर्टर का मतलब है कि बैटरी साइड से हाई वोल्टेज है, और इसकी जो बैटरी वोल्टेज रेंज है वो 160 वोल्ट से 800 वोल्ट तक है, और ये इन्वर्टर 50 किलोवाट का है। पूरा 50 किलोवाट का लोड ये हैंडल कर सकता है। जब बात आती है इसके ऑन ग्रिड पावर की तो ये 55 किलोवाट तक की पावर को ऑन ग्रिड कर सकता है। जब बात आती है इसके ऊपर आप कितना ज़्यादा जो है वो सोलर पैनल लगा पाएंगे तो इसके ऊपर आप 65 किलोवाट ऑफिशियली सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा सोलर पैनल हैं तो आप उससे भी ज़्यादा इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि पर MPPT यहाँ पर आपको 55 एम्पियर मिल जाता है। जो नंबर ऑफ स्विंग्स हैं वो आप एक ही MPPT के ऊपर पैरेलल कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी। इस इन्वर्टर का वेट 80 kg है, और ये दुनिया की सभी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज के साथ कंपैटिबल है जो कि हाई वोल्टेज के अंदर आती हैं।
तो देखा दोस्तों, इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से आपका कितना टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और स्पेस बचेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन इंस्टॉलर्स के पास पहुंच जाए जो इतना बड़ा सिस्टम लगाना तो चाहते हैं लेकिन आज से पहले उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि वो पूरा हॉस्पिटल या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चला पाएँ। अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं? तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेलकोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।